आज का ये हमारा 31st नंबर का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सवाल नंबर 1, नाखूनों में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या होता है? इस सवाल का सही जवाब है, हमारे नाखूनों में उपस्थित प्रोटीन का नाम है कैरोटीन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, अंतरिक्ष में कुल कितने ज्ञात तारामंडल है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है, वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो अंतरिक्ष में कुल ज्ञात तारामंडल 89 है। वैज्ञानिकों की लगातार खोजों के कारण इसका आंकड़ा आने वाले समय में चेंज भी हो सकता है, परंतु वर्तमान समय में कुल ज्ञात तारामंडल की संख्या है 89। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, रावण के पिता का नाम क्या था? इस सवाल का सही जवाब है, रावण के पिता का नाम था महर्षि विश्वा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को क्या कहा जाता है? इस सवाल का सही जवाब है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को प्रणोदक मतलब प्रोपल्सर कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, बिहार का पुराना नाम क्या था? इस सवाल का सही जवाब है, बिहार राज्य का पुराना नाम मगध था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, विश्व में ऐसा कौन सा पक्षी है जो बाघ की तरह आवाज निकाल सकता है? इस सवाल का सही जवाब है, बिटन पक्षी। बिटन पक्षी विश्व का एक ऐसा पक्षी है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, यह बाघ की तरह आवाज निकालता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, विश्व में काले हंस किस देश में पाए जाते हैं? इस सवाल का सही जवाब है, विश्व में काले हंस जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस सवाल का सही जवाब है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप है, इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, उड़न परी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? इस सवाल का सही जवाब है, उड़न परी के नाम से पीटी उषा जी को जाना जाता है जो एथलेटिक खेल से संबंधित थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, पटना राज्य का प्राचीन नाम क्या है? इस सवाल का सही जवाब है, पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। चलते हैं आज के क्विज सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है? दूसरा सवाल है, विधानसभा चुनाव के इतिहास में कौन से ऐसे दो उम्मीदवार थे जिनकी हार जीत का फैसला टॉस करके किया गया था? दोस्तों यह दोनों सवालों में जो भी जवाब आपको पता है उसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। साथ ही साथ जो इनके जवाब है आने वाले पार्ट 32 की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से जरूर कनेक्ट हो जाइए, इसमें हम डेली बेसिस पे बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। लास्ट तक वीडियो से बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप सभी का जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।